एहसानुल्लाह की अपडेट आई है जी, उनकी कोनी की इंजरी हुई. एहसानुल्लाह अगर आपको याद हो पिछले HBL PSL के हीरो थे, मैं कह रहा हूँ पिछले से पिछले वाले, पिछला तो बेचारा खेल नहीं पाया बिकॉज एहसानुल्लाह वॉज रिगार्डेड एज बींग द नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग बैटरी. याद रहे मुल्तान सुल्तान से ये खेलते हैं, और अगर हम अली खान तरीन की बात पे बिलीव करें जो कि मुल्तान सुल्तान के मालिक हैं, तो उससे हमें अंदाजा ये होता है कि इनकी इंजरी जो थी इट वॉज मिसहैंडल्ड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. ऑफ कोर्स नॉट द फर्स्ट टाइम जब हम ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी खिलाड़ी की इंजरी को जो है वो मिसहैंडल किया. करियर के मामले होते हैं, खुदा के लिए इस नेपोटिज्म से बाहर निकल आओ यार. लेकिन बहरहाल अब हुआ ये है कि जी एहसानुल्लाह मैनचेस्टर रवाना हो गए हैं, और कहते ये हैं उनकी पीर के रोज ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रोफेसर एडम वॉट्स से अपॉइंटमेंट है. बाप महारत रखते हैं, बस एक्सपर्ट है भाई, एक्सपर्ट, और नाम भी अंग्रेज वाला है उनका, तो फिर एक्सपर्ट ही होंगे यार. एहसानुल्लाह की HBL PSL मुल्तान फ्रेंचाइजेस अपॉइंटमेंट पीस. अच्छा, सुनने में ये आया था, अगर आपको याद हो तो अली तरीन ने ये बात बोली थी कि मुल्तान सुल्तान इज गोइंग टू पे फॉर हिज एंटायर ट्रीटमेंट एंड ऑल एंड स्टफ. हाउएवर इस खबर से पढ़ के ये मुझे अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जो है वो सारे पैसे पे कर रहा होगा इनके. लेकिन बहरहाल हो सकता है 50-50 शेयर कर लें, 60-40 शेयर कर लें, हो सकता है कुछ भी हो. फिर कह दें यार वो पर्चियां ले आना अपनी, रीइंबर्स करवा लेना हमसे, ये रीइंबर्समेंट फॉर्म है ये, प्लीज अपना मेडिकल एक्सपेंस आप इससे रीइंबर्स करवा सकते हैं. हो सकता है यार, हो सकता है. चलें